32 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम मोदी करेंगे विजेताओं से बात। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से विजेताओं को चुना गया। दिल्ली किसानों के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के किसान। किसान आंदोलन में उतरे पवार, आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की नब्ज पर नजर। ट्रैक्टर परेड के लिए किसान तैयार। सीमाओं के पार 20 किलोमीटर लंबी कतार। 100 मीटर की दूरी पर वॉलंटियर तैनात किए गए। असम में अमित शाह के दौरे का विरोध। सीएए वापस लेने की मांग। अमित शाह के खिलाफ लहराए गए काले झंडे। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। 28 जनवरी से गांव-गांव करेगी चौपाल। जनता को लुभाने उतरेंगे कार्यकर्ता। एमपी के प्रोटेम स्पीकर ने सीएम ममता बनर्जी को भेजी रामायण। कहा, राम का विरोध छोड़ें नहीं तो हो जाएगा जय श्री राम। सद्बुद्धि के लिए रामायण पढ़ने की सलाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज देंगे जनता को सौगात। पटरी पुल का करेंगे उद्घाटन। ठाणे जिले के कल्याण को डोंबिवली से जोड़ेगा पटरी पुल। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार। तेजस्वी यादव बोले, लालू जी को डॉक्टरी देखभाल की जरूरत। आरजेडी के लोग एम्स में भीड़ ना लगाएं। दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद। सेवाओं में आंशिक बदलाव। 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो में प्रवेश और निकास गेट दोपहर 12 बजे तक स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। बर्फीली हवाओं का सितम जारी। हरियाणा यूपी दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में सुबह शाम घना कोहरा। पुर्तगाल में मार्केलो रेबेलो डी सूजा दोबारा चुने गए राष्ट्रपति। मिले 61% वोट। अभी चुनाव का पूरा रिजल्ट सामने नहीं आया। 15 घंटे चली भारत और चीन के बीच 9वें दौर की वार्ता। भारत ने कहा, चीन को पूरी तरह से हटना पड़ेगा पीछे। पाकिस्तान के लिए एडा क्लास के 4 युद्धपोत बना रहा तुर्की। एर्दोगन ने तीसरे कॉर्वेट के निर्माण की रखी आधारशिला। 2018 में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ किया था समझौता। अपनी ही पार्टी से निकाले गए नेपाल के पीएम केपी शर्मा। ओली कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता रद्द। पुष्पकमल दहल गुट ने पार्टी की बैठक में ओली को बाहर निकालने का किया ऐलान। 90 लड़ाकू विमानों के साथ चीन के करीब पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। 3009 सैनिकों के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां शामिल। जी के साथ खुले सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 262 अंक की बढ़त के साथ 49,141 के स्तर पर खुला। निफ्टी में 98 अंकों की तेजी। घरेलू बाजार में लगातार 2 दिनों की बढ़ोतरी के बाद आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में रही शांति। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल हुए थे 25-25 पैसे महंगे। महाकुंभ के लिए पुरी से ऋषिकेश के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। पुरी और योगनगरी ऋषिकेश के बीच दैनिक स्पेशल ट्रेन 27 जनवरी से चलेगी। यस बैंक ने दिसंबर तिमाही में 150.71 करोड़ का मुनाफा कमाया। बैंक का ग्रॉस एनपीए घटकर कुल ऋण का 15.36% रह गया। टेलीकॉम और रिटेल के बाद रिलायंस का जोर अब ऑयल बिजनेस पर। बनाई गई यूनिट, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स और रिटेल फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस शामिल।